यो जय माता दी। है नवी नहा के एक्सरसाइज करके मैं हूँ रेडी, और व्यू है बढ़िया एकदम। पीछे आप देखो, वो रोड चल रहा है भाई, मतलब रोड खड़ा है, उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है जी भाई, यार बाल बिखरे हुए हैं, खैर अभी ठीक करने हैं मुझे। एंड ग्रीनरी है बढ़िया, पीछे का व्यू है मज़ेदार, और आज बहुत सारी चीज़ें करनी है दिन में, तो हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। और वो सब करते हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग्स को, वीडियोस को प्यार देने के लिए। ऐसे ही अपना आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखिएगा, बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा और बड़ा मुकाम हासिल करेंगे सब लोग। थैंक यू। तो यार जो आज इस बुक का ना जो फर्स्ट टॉपिक था वो मैंने पढ़ा था, तो वो ये था, आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम कुछ भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो गणेश जी की या गणपति भगवान जी की पूजा की जाती है, बट ऐसा क्यों है। तो इसमें यही बताया है कि हम कुछ भी शुरू करने से पहले, जनरली आपने देखा होगा हम ऐसा बोलते हैं जय श्री गणेश करते हैं किसी चीज़ का, या ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसा कुछ हम बोलते हैं। तो उसका रीज़न ये है, गणेश जी को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि एक बार जब एक मीटिंग बुलाई थी सभी देवताओं ने, भोलेनाथ जी ने, तो सभी देवता उनसे पूछने लगे कि हेड ऑफ़ दी जितने भी देवता हैं तो उन सबका हेड किसको बनाया जाए जो एक्चुअली में इतना बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो, जिसके अंदर ब्रेन और पावर दोनों चीज़ों का अच्छा कॉम्बिनेशन हो, और जो शांत भी हो, जो अच्छे से चीज़ें मैनेज कर पाए। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे भगवान जी ने कहा था कि चलो एक टेस्ट करते हैं कि जो भी पूरी पृथ्वी की तीन परिक्रमा, तीन चक्कर लगा के हमारे पास आएगा, यानी कि भोलेनाथ और पार्वती जी के दर्शन करेगा सबसे पहले आके सभी देवताओं में से, तो उसको वो उस चीज़ का हेड बना दिया जाएगा, सभी देवताओं का जो लीडर है, जो टीम लीडर है, वो बना दिया जाएगा, कैप्टनसी उसको दे दी जाएगी। तो हुआ क्या कि सबके पास अच्छे अच्छे अपने वाहन थे, सब किसी के पास हाथी था, किसी के पास घोड़े थे, किसी के पास और अपने अलग से जाने के लिए स्पीडी वाहन थे सभी देवताओं के पास, लेकिन गणेश जी के पास खाली चूहा था, मूसक जी थे। तो फिर सभी तो चले गए भाई फटाफट स्पीड में, तो गणपति जी ने सोचा कि यार क्यों ना थोड़ा सा स्मार्टली खेला जाए, और उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और मूसक पे बैठ के माता पार्वती और जो शंकर भगवान जी हैं उनकी तीन परिक्रमा की, और उनके सामने सबसे पहले आके खड़े हो गए। तो इस चीज़ को देख के भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, और तब तक सभी देवी देवता वहाँ पे आए, तो उन्होंने देखा कि गणपति भगवान पहले से ही खड़े थे, तो सबने उस चीज़ का समर्थन किया और गणपति भगवान जी को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पूजा जाने लगा, और उनको सभी देवताओं का कैप्टन बना दिया गया कि जब भी कभी भी पूजा कोई अनुष्ठान अच्छा कार्य होगा तो गणपति जी को सबसे पहले पूजा जाएगा। तो ये थी भाई इसमें जानकारी जो आज हमने कवर की है, कल कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। और दिन जा रहा है बढ़िया, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ओके, ये कंप्लीट होते ही फिर शाम को देखते हैं कहाँ पे हम आज जाते हैं। ओके ओके, चल दिए हम लोग टेंट टेंट। हाँ वैसे ही रिलैक्स हो जाए बंदा आके। तो जी हम लोग आए हैं, हमारे यहाँ पे ना बहुत ही बड़ा विशाल प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ जी का, पशुपति नाथ महादेव मंदिर, जो कि ना पांडवों के समय से, आपको दिखाता हूँ, ये देखो पीछे ही है। तो ये है भाई, आज यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन देख करते हैं, आनंद लेते हैं। चलो फिर जय भोलेनाथ। सनी खोल दरवाजा, ये बैठे अपने नंदी महाराज जी, नंदी भगवान है, और अभी चलते हैं भोलेनाथ के अंदर। ओए हाय आनंद आ जाएगा भोलेनाथ का ऐसा विशाल स्वरूप देख के। जय भोलेनाथ, जय श्री भोलेनाथ, क्या बात है। ओए होए होए नेक्स्ट लेवल यार, जस्ट अमेजिंग। बोलो शंकर भगवान की।
तो यार भोलेनाथ के तो जबरदस्त, मतलब क्या यार दर्शन हो गए भोले यहाँ पे। इतने सुंदर रूप में बैठे हुए हैं गाइस, क्या ही बताऊँ आपको, देख के मज़ा ही आ गया होगा। वाह यार, यार भोलेनाथ से तो ना एक अलग ही अटैचमेंट होती है वैसे, स्पेशली बॉयज़ को। और है ही यार भोले, नाम ही भोले है, वो है ही भोले, बस कुछ भी कर देते हैं कभी भी, ज़बरदस्त। इधर हैं अपने प्यारे नंदी भगवान जी, वाह यार ये देखो क्या सुंदर मंदिर है, ये देखिए। और वहाँ आसमान देखो कितना सुंदर लग रहा है, वहाँ के सामने बिल्कुल नीला आसमान, बढ़िया। और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ना एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये पांडवों के समय से है, तो जी इधर है भीम का कढ़ाया, कढ़ाई तो आपको बताइए जिसमें हम हलवा बनाते हैं अपने घरों में, लेकिन ना इधर एक कढ़ाया है बहुत बड़ा, जिसमें बोला जाता है कि जो भीम थे ना महाभारत के टाइम पे, पांडवों में जो भीम थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे, तो वो उसमें खाना खाते थे उस कढ़ाई में। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे सामने है वो कढ़ाया, अब ये देखो, ये लो जी गाइस, ये देखो इतना बड़ा ये बर्तन है, ये कढ़ाया है यार, कि जिसमें जो महाबली भीम थे ना वो खाना खाया करते थे। तो आप देख लो उनके अंदर इतनी ताकत थी, तो इससे आप आइडिया लगा लो कि भाई बर्तन खुराक उनके कितनी ज़्यादा होगी, और इसलिए बर्तन भी इतने बड़े बड़े थे, पता नहीं हज़ारों लोगों का खाना बन जाएगा इसमें। तो ये अभी भी रखा हुआ है उस टाइम का। तो बीच बीच में क्या होता है, इस पर पेंट वगैरह ये लोग करते रहते हैं कि ताकि जिससे ना जो जंग है वो इसको ख़राब ना कर पाए। तो अब देखो उस टाइम से है ये यहाँ पे। तो जी अभी पूरा मंदिर आपको मैं गो थ्रू करवाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर बनाया गया है। ये देखिए भगवान जगन्नाथ के भी आपको दर्शन करने को मिलेंगे, और वहाँ पे श्री श्रवणनाथ जी हैं, ठीक है जी, ये देखिएगा। तो बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। जय प्रभु जगन्नाथ, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और सबको शांति दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, जय हो प्रभु, जय माता रानी। और यहाँ से इधर आते हुए ये हैं अपने भाई लोग जो कि माथा टेकने आए हैं मंदिर में। और जी ये इस तरफ है शिव परिवार, ठीक तो है नाम के लिए जरूरी है। ये देखिए जय प्रभु जय शिवनाथ की। तो गाइस आइए अभी परिक्रमा करते हैं मंदिर की। तो यार बड़ी शांति मिलती है आत्मा को, जन्म लेना ऐसी जगह पे आके एक नेक्स्ट लेवल का ना सुकून मिलता है। और ये धूना होता है भोलेनाथ जी का, यहाँ में भभूत होती है जो कि मस्तक पे लगाते हैं हम लोग, ओके। और मेरे पीछे आप देखिए मंदिर का व्यू, ऊपर आसमान कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो आप, ये देखना यार नेक्स्ट लेवल की फील है। और ये है गणेश भगवान जी और सत्यनारायण प्रभु। और ये आप देखो इस तरफ पूरा का पूरा जो फील है ना, तो यार ये अलग ही है एक्चुअली में, ये देखिएगा भोलेनाथ की कृपा अलग ही बरस रही है यहाँ पे। ये देखो यार सामने मस्त नेक्स्ट लेवल का फील है। और ये शनिदेव प्रभु, जय शनि महाराज की। और अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ बजरंग बली जी के स्वरूप के, सुपर पावरफुल फीलिंग, सुपर एनर्जीज। ये देखिए बोले गणपति भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय। तो यार ऐसी जगह पे रहता हूँ मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है, क्योंकि ये जो धरती है ना हमारे यहाँ की, हमारे शहर की जो कुरुक्षेत्रा वाली धरती है पूरी, बहुत ही पवित्र और पावन धरती है। स्वयं भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जहाँ पे एक प्लेस है ज्योतिसर, वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा। तो इसीलिए ना महाभारत के टाइम के, रामायण के समय के, यहाँ पे विशाल मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, और वो ऐसे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो वहाँ की यू नो उस टाइम की चीज़ें हैं, वो यहाँ पे अभी भी बनी हुई हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए आप बढ़िया से, और भोलेनाथ की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और व्लॉग में आपको मज़ा आएगा, और ऐसी और ही जानकारी बढ़िया देते रहेंगे, और मेरे साथ सन्नी भाई हमेशा रहेगा ही ऑलवेज। ये ओके, जय भोलेनाथ।